फ्लैग ऑफ किया गया है, आम आदमी पार्टी लगातार कोरोना काल में काम कर रही है, किस तरह इसको देख रहे हैं? अभी इनिशियली जब हमने देखा कि कोरोना के क्या इफेक्ट पहाड़ में आ रहे हैं, तो उसको देख करके एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लान बनाया। अब जो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आप कोई भी चीज़ अगर करो तो सबसे पहले तो ना आपके पास ग्राउंड में वर्कफोर्स होनी चाहिए जो अंदर गांव के सबसे, जिसे बोलते हैं सबसे रिमोट एरिया, वहाँ तक पहुँच सके, हर घर को जा कर के नॉक कर सके, हर इंडिविजुअल को चेक कर सके और उसे बता सके कि अगर कुछ तुम्हें सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें। इसमें ना कोई कोई बहुत ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक एसेंशियल है। उसी को देख करके फिर हमने इनिशियली तो पहले गांवों में अपने जो वॉलंटियर्स थे उनकी टीम भेजनी शुरू करी। कोई 800 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो इस टाइम पे हमारे ऊपर गढ़वाल कुमाऊं में इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस प्लान को बनाने के बाद आज यहाँ से हमने डिस्पैच करा है मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो कि कोरोना को इनिशियल स्टेज में कैसे हम रोक सकें। तो उस मेडिकल इक्विपमेंट में है हमारे ये अपने पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर्स इंफ्रारेड जो कि बॉडी को टच करे बगैर टेम्परेचर लेते हैं, फिर एडिक्वेट क्वांटिटी में मेडिसन्स, फिर उसके बाद में सैनिटाइज़र्स हो गए दो टाइप के, एक हाथ हैंड सैनिटाइज़र और दूसरा हो गया जैसे घर में अगर कोरोना है तो कैसे उसको, कहते हैं ना एक मक्खी भी तंग करती है, ऐसे मक्खियों का भगाना है पहाड़ से जैसे कोरोना की तरह मारना है। तो उसके बाद में फिर मतलब बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन ये सारी की सारी हैं और रेगुलर, इसका असली इंटेंशन ये है कि रेगुलरली फिर जा कर के हम उन घरों को चेक करते रहेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या किसी का डिटोरेशन हो रहा है तो उसको आइसोलेशन में कैसे लेके आ सके। उसके लिए हर ब्लॉक में एक आइसोलेशन सेंटर बनाने का भी सामान इसमें जा रहा है, जिसमें 5 बेड की फैसिलिटी होगी, जिसमें उनको 5 बेड में ऑक्सीजन फैसिलिटी होगी, बेसिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होगा, कोई अगर बीमार हो रहा है तो उसको अगले स्टेज में कैसे आगे लेके जाया सके। कोरोना हम समझते हैं कि मान लो हमने ये सारी हिम्मत करके ऑर्गेनाइज होकर के एज अ टीम ये काम करा और कोरोना को हमने किल कर दिया, तो ये काम ना हमारा रुकेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर टीम कर रही है, ऊपर स्टेज में वो जाएगी कि जो महिलाएं हैं प्रसव से मर जाती हैं, अब ये टीम ना वो वाले इनपुट देगी और हम उस स्टेज में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप बोलिए, जिस तरीके से सवाल सरकार पे खड़े हुए हैं कोरोना काल में, आम आदमी पार्टी का मकसद है 2022 से पहले कुछ मॉडल प्रूव करना, जो कि साबित करके दिखाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं पुनर्निर्माण की परिभाषा वो कैसे हम पूरी करेंगे, उस चीज़ पे हम पूरा लग रहे हैं। टक्कर की बात है, हम लड़ने वाले लोग हैं नहीं, हमने पक्का ये समझ रखा है कि पहाड़ में रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आज हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद से देख रहे हैं, कई पार्टीज हमसे बात भी कर रही हैं। अब वाली चीज़ें तो इस टाइम पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले तो एक कोविड युद्ध को लड़ना है, लेकिन इस युद्ध में हम जरूर लोगों की तरफ एक्सेप्टेंस हमारा बढ़ते जा रहा है। उदाहरण के लिए एक हमने कॉल सेंटर शुरू करा था, अब अगर एक कॉल सेंटर में 5,000 कॉल डेली आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होगा। अगर हमने एक वॉइस कॉल भेजी थी इसमें अपना फ़ोन के थ्रू, तो मेरे पिताजी को ही अगर 3 बार वो वॉइस कॉल आ गई है लोगों के आकर के बताने के बाद, तो मेरे को लगता है कि लोग तो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर काम करेंगे तो अप्रिशिएट क्यों नहीं होगा, हम भी तो इसी समाज के लोग हैं, उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो सर इस सेवा पर अब सियासत, पहाड़ में करीब 6,000 गाँव हैं, उनमें अगर हम बोलें डीप हाई डेंसिटी की जो टाउनशिप्स हैं, जैसे देहरादून हो गया, जैसे हरिद्वार हो गया, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, अब इनमें ना दूसरे तरीके से मेडिकल सेटअप की जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट भी करती है और हम भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम पहाड़ों के हर जगहों को टच कर रहे हैं, हर जगह मतलब हर गांव में, हर घर, उस घर में अगर 10 इंडिविजुअल है, हर 10 को हो सकता है कि जिस दिन चेक करेंगे उस दिन 10 की जगह 8 ही हों, 2 शायद खेती में जा रखे हों, तो उनको ना अगले स्टेज में चेक करा जाएगा। और चुनावी बात जो है, चुनाव में हमारा मकसद क्या है, उत्तराखंड नवनिर्माण, अगर हम पॉजिटिव प्रोजेक्ट करेंगे जब तक कि पावर भी नहीं है हमारे पास में, और उसको अगर हम साबित करके दिखाएंगे, तो आप मेरे को बताइए आप किसको वोट देंगे भाई साहब? बिल्कुल सियासी